मैं हूँ विश्व दीपक, नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में। यह इस शहर का सबसे मशहूर लैंडमार्क है। आप देख सकते हैं इसका नाम कॉलेज स्ट्रीट क्यों पड़ा है, आप समझ सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ किताबों की ऐसी ही दुकानें हैं, कई किलोमीटर तक ऐसी ही किताबों की दुकानें दिल्ली की फुटपाथ पे भी एक वक्त में लगा करती थी, लेकिन अब उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। दिल्ली से किताबें हटा दी गई हैं और अब दिल्ली में सिर्फ विकास दिखता है। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ, ये देख सकते हैं आप सामने किताबें हैं। अब आपको हम अपनी दाईं तरफ ले चलते हैं। दाईं तरफ भी यहाँ पर आपको किताबों की दुकानें दिखाई पड़ेंगी। इस कॉलेज स्ट्रीट का एक महत्व और यह है और वो यह है, इसके ठीक बगल में कोलकाता का मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज है। प्रेसिडेंसी कॉलेज अपने एक्सीलेंस के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए और अपने हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स के लिए, अल्मा मैटर्स के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए एलुमनाई के लिए जाना जाता है। आप ये देखिए, ये दूसरा छोर है कॉलेज स्ट्रीट का। आपने पहले देखे यहाँ पर भी ढेर सारी किताबों की दुकानें हैं और यहाँ पे छात्र छात्राएँ बड़ी तादाद में किताबें लेने आते हैं। किताबें लेने सिर्फ नहीं आते हैं बल्कि समाज, राजनीति, इतिहास और जीवन के दूसरे मुद्दों पर, साहित्य पर ज़बरदस्त यहाँ पे बहस और मुसाहिबा हुआ करता है। ये कल्चर दिल्ली में भी एक ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से गायब हो चुका है। मैं वॉक कर रहा हूँ प्रेसिडेंसी कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ और आपको, आप देख सकते हैं हमारे सामने जो एक सफ़ेद रंग की एक कॉलोनियल स्टाइल में एक बड़ी खूबसूरत सी जो इमारत दिखाई पड़ रही है, यही है कोलकाता का मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, RBI के गवर्नर यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नोबेल लॉरेट अमर सेन ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। इस कॉलेज के ठीक सामने, इस प्रेसिडेंसी कॉलेज के ठीक सामने अपोजिट साइड में आपको मैं दिखा सकता हूँ यार, कोलकाता का मशहूर कॉफ़ी हाउस मौजूद है। ये कॉफ़ी हाउस जिस हॉल में है उसको अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। इस अल्बर्ट हॉल में आप देख सकते हैं कि ये कोलकाता की पीली टैक्सी भी बीच में आ गई। आप देखिए पीली टैक्सी कोलकाता की पहचान है। और अगर आप सड़क की तरफ देखेंगे, सड़क पर ध्यान दीजिए, तो आपको इस सड़क में ट्राम की पटरियां भी दिखाई पड़ेंगी। यानी सड़क का जो जनतंत्र है वो कोलकाता में अपनी तरह का अनूठा है। सड़क का जनतंत्र कहता हूँ मैं इसे। सड़क पर ही ट्राम चल रही है, सड़क पर ही बाइक चल रही है, सड़क पर ही गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़क पर ही बसेस चल रही हैं और सड़क पर ही पैदल लोग चल रहे हैं। ये है सड़क का जनतंत्र और यही है कोलकाता की पहचान। लेकिन अब जबकि यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और BJP भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रही है, यह पहचान संकट में है। हमने यहाँ पे मौजूद कई लोगों से बात की, कई लोगों से उनके विचार जानने चाहे और उन्होंने जो कहा उसका सार यह है कि वो अपनी इस अस्मिता को, इस पहचान को, इस जनतंत्र को खतरे में देखते हैं। मैं कॉफ़ी हाउस की तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार फिर से किताबों की भरपूर दुकानें हैं। आप किसी शहर से उसकी किताबें छीन लीजिए, वो शहर मर जाएगा। दिल्ली के साथ यही हादसा हुआ है। इस हादसे को होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे इस बात का बेहद सुकून मिला यह देख करके कि कोलकाता में अभी भी किताबें मौजूद हैं और मौजूद ही नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कदम कदम पर मौजूद हैं, कोने कोने में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये और हम कॉफ़ी हाउस के दरवाजे पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम कॉफ़ी हाउस के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं तो आपको एक पोस्टर दिखाई पड़ रहा है और ये पोस्टर में क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ आपके लिए। नो वोट टू BJP। BJP के जो BJP का खुद का सर्वे या उसकी BJP स्पॉन्सर्ड मीडिया, हम सब जानते हैं, वो लंबे समय से दावा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ की आबो हवा को परखेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ की दीवारों में जो इश्तहार लिखे हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि BJP की यात्रा इतनी आसान नहीं है जितनी कि वहाँ दिल्ली में बैठ करके या दूसरे शहरों में बैठ कर बताई जाती है। हम इस वक्त मैं कॉफ़ी हाउस की उन सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ। एक कॉफ़ी हाउस दिल्ली में भी है लेकिन अफसोस
कि उसको जो मर चुका है उसकी कोई जीवंतता नहीं रह गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियाँ, कोलकाता के कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियाँ हैं। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे पोस्टर्स हैं। ये पोस्टर्स पॉलिटिकल पोस्टर हैं, राजनीतिक पोस्टर हैं। वो मैं बहुत सारी चीज़ बांग्ला समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जो इसके कुछ कई लोगों को इसमें से मैं पहचानता हूँ, कई कलाकार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्हें इन पोस्टरों के जरिए याद किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। आप देखिए, ये देखिए ढेर सारे पोस्टर्स हैं, ये प्रणब मुखर्जी हैं जिनके नीचे लिखा हुआ रेस्ट इन पीस, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये है यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का तरीका, जिसकी लोग थ्रेटन फील करते हैं, जो लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये उनकी पहचान है जो कि खतरे में पड़ेगी। सीढ़ियों पे खड़ा हुआ हूँ मैं कॉफ़ी हाउस के, और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कोलकाता के लोग, कोलकाता की जीवंत संस्कृति, यहाँ की पहचान, यहाँ के कॉफ़ी हाउस, कैसे लोगों ने अपनी एक अस्मिता को बचा के रखा। और यही वजह है मैं बार बार कहता हूँ कि इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बंगाल का राष्ट्रवाद, बंगाल की भाषा, बंगाल के लोगों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता की समझ उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों के मुकाबले बहुत गहरी है। अब मैं आपको वो बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है अल्बर्ट हॉल, इंडियन कॉफ़ी हाउस के ठीक नीचे देखिए अल्बर्ट हॉल लिखा है। ये वही हॉल है जिसमें कभी गांधी जी ने और सिस्टर निवेदिता ने अपना स्पीच दिया था। हम आ चुके हैं अंदर कॉफ़ी हाउस के, और आप ये देखिए, ये कोलकाता का दो मंजिला मशहूर कॉफ़ी हाउस। इस कॉफ़ी हाउस में आप देखेंगे कि बैठने की जगह नहीं है, नीचे पूरा हॉल भरा हुआ है, ज़्यादातर युवा हैं, ऊपर भी सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं। आपको हमारे ठीक सामने एक पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी, पोस्टर बड़ा सा, आदमकद तस्वीर। ये तस्वीर है भारतीय बंगाली रेनेसा की, अग्रदूत जिनको कहा जाता है, बंगाली पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय की है। बड़ी सी तस्वीर आप हमारे सामने ठीक सामने देख पा रहे हैं, वो है राजा राम मोहन राय जिन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण की शुरुआत की थी, सती प्रथा का उन्होंने अंत किया था, ये बात सबको पता है। एक बात और मैं बताता चलूँ यहाँ पर, वो राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया था, वो उसके पहले फर्स्ट चेयरपर्सन थे। ये थे कॉफ़ी हाउस की पहली मंजिल, अब हम चलते हैं कॉफ़ी हाउस की दूसरी मंजिल पे, हम आपको वहाँ से दिखाएंगे कि कैसा दिखता है कोलकाता का मशहूर कॉफ़ी हाउस। साथ में मैं आप बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले इसी कॉफ़ी हाउस में राइट विंग के कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमला किया था और उनको यहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। मज़े की बात यह है कि रेजिस्टेंस लड़कों की तरफ से नहीं या मर्दों की तरफ से पहले बाद में हुआ, पहले वो लड़कियाँ उठ खड़ी हुई और पहले लड़कियों ने आवाज़ उठाई थी। तो मेरी समझ यह बनती है कि बंगाल की अस्मिता को चैलेंज करना, उसको ओवरपावर करना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए ठीक बात है बीजेपी के पास ढेर सारी ताकत है, पैसा है, मीडिया मैनेजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। ये देखिए मैं आ गया हूँ कॉफ़ी हाउस के सेकंड फ्लोर पे, और आप सेकंड फ्लोर से आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए नीचे सेकंड, वो नीचे अल्बर्ट हॉल जहाँ पे गांधी जी आए थे, जहाँ पे स्पीच हुआ था। आप देखिए ऊपर देखिए, सारी कुर्सियाँ, सारे लोग खर्च भरा हुआ है, यूथ वर्ड्सवर्थ ने, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, मुझे वर्ड्सवर्थ याद आ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ अंग्रेज़ी के बड़े मशहूर कवि थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कहा था, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा था, तो फ्रांसीसी क्रांति के समय होना बड़े गौरव की बात थी, लेकिन उस समय युवा होना तो और भी आनंददायक था, और भी मज़ेदार था। मैं कह सकता हूँ यहाँ करके कि यहाँ पर आना अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। यहाँ की औसत आयु आप देखेंगे, एवरेज एज 20 से 25 साल की है, और यहाँ पे लोग आएंगे अगर आप, तो आपको एक एनर्जी का फ्लो दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा कि कोई समाज कैसे जीवंत समाज, कोई जिंदा समाज कैसे रिएक्ट करता है, कैसे मिलता है, कैसे सोशल गैदरिंग करता है, और कैसे वो एक आक्रामक अभियान, सांस्कृतिक अभियान कहना चाहिए इसको, कल्चरल इन्वेजन कहना चाहिए, उसके सामने कैसे अपने आप को डिफेंड करता है।